जालौर से महज 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा गांव में शनिवार की रात को जैन समाज के श्रद्धालुओं से भरी बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिसमें 6 श्रद्धालु जिंदा चल गए, जबकि 3 दर्जन से अधिक श्रद्धालु झुलस गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को झुलसी हुई हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु अजमेर और ब्यावर के रहने वाले हैं। वे नाकोड़ा में दर्शन करने के बाद जालौर के मांडोली में जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जहां वे ब्यावर जाते समय रास्ते का भटक कर महेशपुरा गांव पहुंच गए और वहां संकरी गलियों में झूलते तारों की चपेट में बस आने से बड़ा हादसा हो गया। और बता दें आपको कि राज्य सरकार की तरफ से सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की ये ऐलान कर दिया गया है कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख व्यक्त किया है। चपेट में जो कंडक्टर था जिसके कारण से ये घटना हुई और अभी एक्चुअल रिपोर्ट ये है कि 6 डेथ्स हैं अभी और 7 केसेस को हमने जोधपुर रेफर किया है, उनका इलाज MGH हॉस्पिटल बंसवाड़ में चल रहा है और 9 लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिट हैं। जो जालौर में जो एडमिट हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है और जोधपुर में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पे DC सर, IG सर वहीं पर हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और जो डेड बॉडीज़ हैं वो हम पोस्टमार्टम करके उनकी जो बॉडीज हैं उनको सपोर्ट उनके परिजनों को कर रहे हैं। जैसे सूचना मिली जिसने तुरंत जनता के सहयोग से और फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया और इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है, 6 डेड बॉडी है। इसमें प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की है कि वो रास्ता चूक गए, उनको जाना तो ब्यावर की साइड में था परंतु वो एक सिंगल रोड पे महेशपुरा की तरफ चले गए, करीब 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में चले गए और गांव के महेशपुरा गांव के चौक में चले गए, चौक में रास्ता बंद हो गया तो वापस वहाँ एक ट्रैक्टर के भी उन्होंने टच कर दिया ड्राइवर ने, वहाँ भी एक बहस हुई उनकी, फिर वापस यू टर्न करके वापस घुमाया गाड़ी को, जब जिस रास्ते गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी थी उसी रास्ते पर वापस कंडक्टर चढ़ा करके कहा कि तार शायद हाइट कम है, कंडक्टर चढ़ाया उसको ऊपर करो, ऊपर करने के चक्कर में वो कंडक्टर के करंट आ गया, कंडक्टर के करंट की वजह से गाड़ी में करंट आ गया,